दोस्तों कहते हैं कि घर के बगल रहने वाला जो पड़ोसी होता है किसी न किसी समय, यकीन मानो तो हर समय काम आ जाता है, किसी न किसी दुख में जरूर काम आता है। लेकिन दोस्तों आप सोचो कि अगर वही पड़ोसी आपकी पत्नी को गंदी नजरों से देखे और आपकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए तो आपका भी खून खोल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल। दोस्तों ASN क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों रोहन नाम का एक व्यक्ति दिल्ली शहर में एक रूम लेकर रहता था और खुद ड्राइवरी करता था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पत्नी थी, अपनी पत्नी को लेकर वो दिल्ली में रहता था और रोज सुबह 5 बजे उठकर अपनी गाड़ी पे चला जाता था और रात में 10 बजे 11 बजे वापस आता था। क्योंकि ड्राइवरों का जो काम होता है, जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो गाड़ी खड़ी करके वापस नहीं आते। दोस्तों ऐसे बहुत दिन से बीतता रहा, लगभग 2 सालों से रोहन अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और उसके बगल में एक राकेश नाम का आदमी रहता था। दोस्तों जब रोहन अपने काम पे चला जाता था तो उसकी पत्नी घर पे अकेले रहती थी तो बोर हो जाती थी, तो अक्सर वो राकेश से बातचीत करती रहती थी और उसके साथ कुछ समय बिताती रहती थी। धीरे धीरे जो राकेश था उसका दिल रोहन की पत्नी पे आ गया और फिर वो रोहन की पत्नी से प्यार करने लगा और दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ते भी स्थापित करने लगे। दोस्तों रोहन को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के कहने से इस बात की जानकारी रोहन को लगी और रोहन ने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। दोस्तों रोहन ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के बारे में सोचने लगा और फिर एक दिन सुबह के 5 बजे बोला कि मुझे काम पे जाना है और सुबह 5 बजे अपने रूम से उठा और नहा धोकर वो बाहर चला गया। लेकिन दोस्तों उस दिन रोहन को गाड़ी पे नहीं जाना था क्योंकि उसे कोई काम नहीं था, उसे तो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना था। दोस्तों जब 3-4 घंटे बीते, लगभग 5 बजे वो निकला था, जब 8 बजे तो वो अपने घर वापस आ गया और जब वो वापस आया रूम का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने पड़ोसी राकेश की बाहों में थी और अर्धनग्न अवस्था यानी कि आपत्तिजनक हालत में थी और दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्तों को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों रोहन ने इन दोनों के इस रिश्ते का विरोध किया और जब काफी ज्यादा गुस्से में हो गया तो फिर रोहन ने राकेश के साथ लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर दिया और इसी बीच रोहन की पत्नी ने मौका पाकर अपने ही पति को पीछे से उसके सर पे एक डंडे से वार कर दिया जिससे वो घायल हो गया और जमीन पर गिर गया और उसके बाद राकेश वहां से फरार हो गया। दोस्तों कुछ देर बाद जब रोहन को होश आया तो उसने पुलिस को कॉल किया और अपने पड़ोसी राकेश के खिलाफ अपनी पत्नी को भड़काने और उसके साथ नाजायज रिश्ते यानी दुष्कर्म करने का रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया और फिर राकेश की तलाश करने लगी। लेकिन दोस्तों रोहन ने पुलिस से यह भी बताया कि इसमें सिर्फ राकेश की गलती नहीं है, गलती उसकी पत्नी की भी है। उसके इस बयान पर लेडीज पुलिस ने उसकी पत्नी को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले गई और फिर राकेश को भी हिरासत में लिया और दोनों को उनकी सजा के लिए जेल में डाल दिया। तो दोस्तों इस तरह से एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी के साथ धोखा किया और फिर जब वो अपने काम पे चला जाता था तो उसने उसकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए और फिर एक दिन जब वो टाइम से अपने घर पहुंच गया और उसने अपनी पत्नी को अपने पड़ोसी के बाहों में देखा तो फिर उसने इसका विरोध किया। तो फिर उन दोनों ने उसको जान से मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया और फिर उसने पुलिस को इन सारे बातों को बताया और फिर दोनों को जेल में डलवा दिया। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सतर्क रहें, कोई भी अपना नहीं है, सब लोग अपने अपने फिराक में रहते हैं, जब मौका मिलता है तो आपको धोखा जरूर दे देते हैं। तो दोस्तों सावधान है, सतर्क रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।